जो ये इलाका था, पूरा जो क्षेत्र था, वो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए जाना जाता था। हाल के दशकों में ये पूरा इलाका जो है अपनी पौराणिक पहचान को खो दिया। इसकी वजह मुख्य तौर पर आप क्या मानते हैं? क्योंकि एक शिक्षाविद के लिए शिक्षा की कड़ी का कमजोर होना समाज के कमजोर होने जैसा माना जाता है। ये मुलायम सिंह जी का शासन, मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में उन्होंने तो घोषणा कर दिया एक बार ही लंका के मैदान में, हमारा चुनाव प्रचार करो, परीक्षा हम देख लेंगे। तो इस तरह का जो नेताओं द्वारा घोषणाएं होने लगी तो शिक्षा का स्तर गिरा, गिरने लगता है तो कोई सीमा नहीं है कितना नीचे तक चला जाएगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने युवाओं को शिक्षा की जरूरत नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? शिक्षा की आवश्यकता सबको है, शिक्षा की जरूरत तो सबको है। लेकिन चूंकि हम चुनाव जीत जाएं, हम सत्ता में आ जाएं, परिणाम उसका चाहे जो, उसकी किसको चिंता है। अब आगे आप क्या देखते हैं गाजीपुर को? चूंकि एक तरफ आप चुनाव लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी के भाई चुनाव लड़ रहे हैं, उस खेमे में ये उम्मीद है कि मुख्तार अंसारी के साथ नाइंसाफी हुआ, लोगों का एक भावनात्मक जुड़ाव जो है वो सपा कार्यकर्ता के साथ होगा। दूसरी तरफ आप हैं जिनका एक शिक्षक के तौर पर पहचान है। देखिए, मुख्तार अंसारी इस जनपद के लिए एक आतंक के प्रतीक थे, इसी जनपद के लिए नहीं, पूरा प्रदेश, उनके आतंकवाद के तार अंतर्राष्ट्रीय जुड़ाव था उनका। और जिस दिन मुख्तार अंसारी का अंत हुआ, उस दिन जिले ने राहत की सांस ली। असहानुभूति तो बहुत दूर की बात है। अब वो जो अपने मुंह से कह लें, वो इस जिले में 5 बार विधायक रहे हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, लेकिन उनके वाणी पर थोड़ा भी नियंत्रण नहीं है। और अभी कल ही किसी, जब अखिलेश यादव जी आए थे तो उस सभा में मनोज सिन्हा जी को कुछ उन्होंने अपशब्द कहा। तो ये तो एक बार भी जो विधायक हो जाता है, जनप्रतिनिधि हो जाता है, वो माननीय हो जाता है, लेकिन माननीय का कोई लक्षण अफजाल अंसारी में नहीं लगता। कल मैंने कि हमें बाहुबली कहलाना है, हमें दबंग कहलाना है, दोनों में से क्या आप स्वीकार करते हैं? तो उनका आरोप था कि ये मीडिया ने नैरेटिव गढ़ा हमारे परिवार के लिए कि हम बाहुबली हैं, दबंग हैं, जबकि हम शोषित कमजोर लोगों की रक्षा के लिए कुछ शक्ति का इस्तेमाल किए। ये सच है दावा उनका? मऊ में जो दंगे हुए, 17 हत्याएं हुई, कृष्णानंद राय की हत्या जो 6 लोगों की एक ही दिन हुई, कृष्णानंद राय की चोटी काटी गई, ये सर्वविदित है। ये शोषितों की रक्षा का ये काम है? अभी मऊ में ठेके के लिए मन्ना सिंह की हत्या हुई, एक कुशवाहा था ड्राइवर, उसकी हत्या हुई, ये सब शोषितों के लिए उनका सहायता की लक्षण है ये? किसी व्यक्ति से चोटी काटने का क्या औचित्य रहा होगा? चोटी काटने का अर्थ यही है कि हिंदू समाज का गर्दन काटना, हिंदू समाज को उसकी ताकत दिखाना कि तुम्हारी हैसियत यही है, चोटी काटने का यही अर्थ है, और क्या अर्थ हो सकता है? क्या अंसारी फैमिली इतना कुछ होने के बावजूद भी अपना जीत का दावा करती है? एक तो अंसारी, मुख्तार अंसारी जी, अफजाल अंसारी जिस परिवार से अपने को जोड़ने का बार बार प्रयत्न करते हैं, एक तो उस परिवार का है ही नहीं है, पहली बात, कि जिनका वो नाम लेते हैं उनकी एक बेटी थी, उसके बाद वो कोई संतान नहीं थी, वो खानदान खत्म हो गया। ये आप लोग बता नहीं पा रहे हैं? अब बता तो रहे हैं, मैं तो बता रहा हूँ कि वो खानदान खत्म हो गया। अब गांव का कोई भी व्यक्ति, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी जी एक सिनेमा हॉल था, उसी पर टिकट बेचते थे, और इतनी संपत्ति कहाँ से आ गई उनके पास? अभी मैं कल गया था, वो मल्लाहों का मोहल्ला है नूरुद्दीनपुरा, उनके देवी हैं, उनके पास 3.5 बीघा, उनकी आराध्य देवी हैं मल्लाहों की, वो 3.5 बीघा जमीन हड़पने के लिए मुख्तार अंसारी ने बेहद प्रयत्न किया, झगड़ा हुआ वहाँ उनसे, तब जाके उनकी जमीन बची। आप जब गाजीपुर शहर में जाएंगे, बीचों बीच एक श्रीवास्तव जिलों की जमीन है जिस पर कुछ निर्माण काम उन्होंने किया था, बाद में प्रशासन ने कुछ तोड़ फोड़ किया उसमें, वो एक परिवार के 12-13 लोग हैं, एक ने अपना झगड़े में, एक गया मुख्तार अंसारी के पास, अंसारी की जमीन रजिस्ट्री करा ली। इस तरह के अनेकों उदाहरण है जिले में गरीबों की जमीन हड़पना। अब काहे के गरीबों के मसीहा है तो वो जानते हैं। ये क्या खौफ है, क्या डर है
जो उनको दो पटरी पर दोनों पैर रखकर चलने को मजबूर। देखिए ये काम तो उन्होंने हमेशा किया है, कभी सपा में कहीं बसपा में कभी दोनों का गठबंधन, उनके चुनाव जीतने की पूरी भी जो कहानी है आप जानेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक हुआ करते थे, वो अपने को सरजू पांडे का शिष्य कहते हैं, लेकिन एक झटका सरजू पांडे को दिया, मुलायम सिंह में शामिल हुए, फिर न जाने कितने चक्कर सपा बसपा का लगाया उन्होंने, ये तो वही बता सकते हैं। लगा रहे हैं कि धोखा देने की आदत है उनमें एकदम 101%। अरे भाई वो बसपा के सांसद थे, बसपा से इस्तीफा तक दिया उन्होंने, भाई जब सपा में ज्वाइन कर लिया आपने तो नैतिकता यही थी कि बसपा से इस्तीफा देना चाहिए था आपको, आप जहां चाहें आपकी मर्जी है, आप जितने पैंतरे बदले। अभी उनकी लड़की को प्रत्याशी बनाया उन्होंने, उनका गाजीपुर में राजनीतिक जीवन 35 सालों का है, 25 मतलब जो प्रतिनिधि रहे वो बता रहा हूँ, 5 बार विधायक, 5×5=25 हो गया, 2 बार सांसद, 10 वर्ष हो गया, 35 वर्षों में एक भी राजनीतिक कार्यकर्ता वो खड़ा नहीं कर पाए जो उनके मुसीबत में काम आए। मुसीबत में कौन काम आई? बेटी। ये परिवारवाद का निकृष्टतम नमूना है, इसे खराब क्या हो सकता है। लेकिन गैंगस्टर एक्ट में उनके मन में ये डर है कि उनकी सजा बरकरार रह सकती है, अगर वो जीत भी जाते हैं उनकी सदस्यता जा सकती है, या चुनाव से पहले कोई निर्णय आ जाने का डर उनको था जिस वजह से उन्होंने परिवार के सदस्य के तौर पर बेटी को खड़ा किया। अब ये तो वही बता सकते हैं कि सजा होगी कि बचेगी, तो न्यायालय जाने, इस विषय में मैं क्या कर सकता हूँ। है 4 साल का उनको ना गैंगस्टर एक्ट में सजा, लोअर कोर्ट से है, उस सजा को उन्होंने चुनौती दिया है, चुनौती दिया है। तो अगर 4 साल की सजा मुकर्रर अपर कोर्ट रख देती है तो कानून के हिसाब से 2 साल से ज्यादा अगर किसी प्रतिनिधि को सजा हो जाए तो भी उनकी सदस्यता जाएगी और वो चुनाव नहीं लड़ सकते। तब इसका उत्तर तो वही बताएंगे, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उनकी बेटी तो है ही ना, ऑलरेडी भरवा रखा है पर्चा। लेकिन मेरे लिए आश्चर्य का प्रश्न यही है जो मैंने आपसे कहा कि 35 साल के राजनीतिक काल में एक भी कार्यकर्ता उनके पास नहीं है जिसको कि अपने स्थान पर लड़ा सकें। केवल बेटी, परिवारवाद, और ये गलती भी उनकी भी नहीं है। इस समय जहां से उनका तार जुड़ा है वो परिवारवाद के अलावा और क्या हो सकता है। लेकिन परिवारवाद का आरोप आप लगा रहे हैं, सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर आपको चुना या फिर मनोज सिन्हा जी के प्रतिनिधि के तौर पर आपको चुना? अच्छा ये बताइए, मैं 40-45 सालों से संगठन का काम कर रहा हूँ, अभी जब 3 प्रांतों में मुख्यमंत्री बने तो आप लोग जान पाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? तो नेतृत्व तो अपने एक एक कार्यकर्ता का हिसाब रखता है कौन कैसा है। हमारे यहाँ जब घोषणा होती है उद्घोषक घोषणा करता है कि आपको अब ये काम नहीं, आज से आपको ये काम करना है, तो पता चलता है कि ये काम मुझे करना है, और उसी तत्परता से कल तक जो काम कर रहे थे आज वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये तो संगठन की रीति नीति है। दोनों पक्ष का एक खास मतदाता होते हैं जो उम्मीदवार को चुनकर देखकर समझकर वोट मतदाता करते हैं, तो मैंने कुछ लोगों से बात की तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस उपापोह में है कि अफजाल अंसारी चुनाव जीतने के बाद भी हमारे सांसद प्रतिनिधि के तौर पर रहेंगे या जेल जाएंगे, ऐसे मतदाताओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए एक चीज बता दें, एक दिन सभा में पूछ रहे थे कि आपने मास्टर साहब को देखा, तो उनके लोग थे कहा नहीं देखा नहीं देखा। तो मेरे मन में आया कि मैं क्या करूं, तो 412 शक्ति केंद्र हैं, मतलब जो संगठन की रचना है भारतीय जनता पार्टी की, एक शक्ति केंद्र में 4 से 6 बूथ तक होते हैं, 4 बूथ 5 बूथ 6 बूथ, बस अधिकतम 6 बूथ। मैंने अब तक कुल 350 शक्ति केंद्रों पर मैं जा चुका हूं आज तक। तो मैंने भी पूछा कि भाई अफजाल अंसारी जी 5 सालों में कभी आए? तो लोग कहे नहीं आए नहीं आए। तो हमको पूछते हैं कि आपने मास्टर साहब को देखा? मैं तो अपना क्लास में था, मैं क्लास पढ़ा रहा था, मेरी उपस्थिति तो वहाँ थी, मैं तो वहाँ उपस्थित था, 10 बजे से पहले जाना, 4 बजे के बाद निकलना, न पढ़ते समय क्लास छोड़ा न पढ़ाते समय क्लास छोड़ा। लेकिन अफजाल अंसारी जी तो एक भी ऐसी जगह नहीं है 350 जगहों में, एक व्यक्ति का हुआ कहा होता कि नहीं मेरे यहाँ 5 साल में आए हैं, वो तो आए नहीं। उनका एक खास वोट बैंक है ना, उनको वो संभाल के चलते हैं। हाँ तो ठीक है, जनता से क्या मतलब, सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, विकास का एक ईंट भी अगर रखा होता उन्होंने, वही जाति वोटों का आधार है।
पहले जब सपा बसपा मिल गए, अरे मनोज सिन्हा जी 2014 के अपेक्षा 2019 में 1,48,000 वोट अधिक पाए। सपा बसपा का गठबंधन, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी की जाति का वोट। इस बार बसपा का वोट कहाँ जाएगा? इस बार बसपा का वोट बसपा पे जाएगा। भाजपा में, भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर आप बसपा का जो ट्रेडिशनल वोटर है वो आपके तरफ आए, इसकी कोशिश आप लोग नहीं कर रहे हैं? कोशिश तो हर मतदाता के पास जाते हैं, कोशिश बसपा का वोटर मांग के नहीं, वो भारत का नागरिक है तो हर मतदाता के पास हम लोग जा रहे हैं। मैं तो ऐसी कोई बस्ती, मैं तो यादवों की बस्ती में जाके वोट मांग रहा हूँ। हर जगह वोट मांगना मेरा काम है, क्योंकि मैं प्रत्याशी हूँ तो हर मतदाता के पास जाना है। आप चूंकि राय परिवार से आते हैं, भूसा है, गाजीपुर के अलावे आपको लगता है कि बाकी सीटों पर भी भाजपा आपके स्वच्छ छवि के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश की है? अभी तो जनता जाने, उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ। इस देश में तो एक ही व्यक्ति है ना, आप गांव में जाइए कोई अपने मुँह से अपनी प्रशंसा नहीं करता। एक ही व्यक्ति है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार, कट्टर ईमानदार। दूसरा तो इस देश में ऐसा कोई नहीं है, गांव का मूर्ख व्यक्ति भी नहीं कहता है कि मैं गांव में सबसे ईमानदार, सबसे अच्छा हूँ। इसका मूल्यांकन तो समाज करता है। जनता अगर चुने तो आपको क्यों चुने और अफजल अंसारी को? अब तो जनता विचार करेगी इस पर, ये तो जनता का प्रश्न है। आपको लगता होगा ना आपके अंदर कुछ खास विशिष्ट चीजें हैं जो जनता को सोचना चाहिए आपके बारे में इन मुद्दों को लेकर? एक शिक्षक के नाते मैंने हमेशा सही काम करने की कोशिश की है। अपने सामाजिक जीवन में भी कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया कि इधर का उधर करना, इधर का उधर करना, ये कभी मैं किया नहीं। सीधा उत्तर, सीधी बात, और अपने काम के प्रति हमेशा सजग रहना, और जो भी काम मिले उसको निष्ठापूर्वक करना, ये मेरी स्वभाव में, आदत में है। मुख्तार अंसारी साहब को ही आप लोग अपराधी मानते थे या अफजाल अंसारी को भी मानते हैं? अफजाल अंसारी को भी। अफजाल अंसारी तो उसके, आप मऊ की घटना का पता लगाइए, मऊ में जब 17 हत्याएं हुई 2005 में, और 17 अक्टूबर के दिन, वो रामलीला का समय था दशहरे का, और वो कौन सा मोड़ है याद नहीं आ रहा है हमको, उस स्थान पर सीधे मुख्तार अंसारी ने पिस्टल निकालकर उस यादव को गोली मारी। एक भाई को पकड़ कर ले गए लोग लखनऊ, उससे बयान दिलवाया, यही अफजाल अंसारी है। मुसलमान का तो अच्छा राजनीतिक गठजोड़ है। हाँ है, लेकिन 17 अभी आज भी आप जाएंगे मऊ में तो बाल्टे और साइकिलें रखी हुई हैं कोतवाली में, 17 लोग मारे गए थे। अरे भाई, दूध देने वाला गांव में, मऊ बाजार में पतली पतली गलियां हैं, दीदी दूध ले लीजिए, माता जी आया हूँ दूध ले लीजिए, बहन जी आया हूँ दूध ले लीजिए, लेकिन दूध रोज जो पिलाता था, एक व्यक्ति भी बचाव की कोशिश की, अरे ये तो हमको दूध पिलाता है, रोज मेरे घर आता है, इसको मत मारो, छोड़ दो, इन 17 लोग मारे गए। एक भाई को पकड़ कर ले गए लखनऊ, और उससे बयान दिलवाया कि मुख्तार अंसारी तो शांति की अपील कर रहे थे, यही अफजाल अंसारी है, दूसरा कोई नहीं है। आमतौर पर इस बार जब भी बात करना है या भाजपा के लोगों से मैं बात करता हूँ, उनका दावा इस बार ग्रामीण वोटरों को लेकर ज्यादा रहता है कि गांव में ज्यादा प्रभाव या मोदी जी का जो ज्यादा फैक्ट और इम्पैक्ट है वो ग्रामीण मतदाताओं में, ऐसा परिवर्तन? क्योंकि मोदी जी ने काम किया ना, मोदी जी ने नारा दिया, देश का किसान, देश का नौजवान, नारी शक्ति और गरीब। जब जाति दुनिया भर के जहर घोले जा रहे थे अन्य दलों द्वारा, तो मोदी जी ने साफ साफ कर दिया कि देश का किसान, देश का नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, यही चार हैं जिनके विकास देश में करने हैं। इन चारों का विकास हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा। आपके पार्टी के नेता अमित शाह जी आ रहे हैं गाजीपुर जी, आ रहे हैं जी, क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अमित शाह जी इस देश के आदरणीय नेता हैं, धारा 370 को उन्होंने ही पार्लियामेंट में उन्हीं के मुंह से घोषणा हुई थी, तो इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति का प्रभाव तो जरूर पड़ेगा ना। अगर जनता आपको मौका दे देती है तो क्या कुछ आप कर पाएंगे गाजीपुर के लिए? वो तो मनोज सिन्हा जी ने रेखा खींच दी है, ये गाजीपुर का विकास का मार्ग है, और 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं मनोज सिन्हा जी ने धरती पर उतारी। अगर आपको भी देखना है तो तारी घाट चले जाइए, एक बार ऊपर नजर करके उस दिव्य रचना को देखिए, वो विहंगम दृश्य है,
नीचे नीचे रेल जा रही है, ऊपर से आपकी मोटर जाएगी, रेल दौड़कर मऊ जाएगी, मऊ से उड़िहार आएगी, रेल का इतना बगर रहे होते 5 साल और, तो रेल का इतना बड़ा संगम होता गाजीपुर मऊ मिलाकर कि देश में कम जगह ऐसा होता। ये जो 13 सीट है मुझे कोई जानकारी नहीं, अंतिम चरण के चुनाव मुझे गाजीपुर के बारे में, मैं तो अपना जिला इतना बड़ा नेता भी नहीं हूँ कि मैं जाऊँ घूम कर देखूँ, मेरे खास हेलीकॉप्टर है कि मैं दौरा करूँ, मैं तो बीजेपी का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। जो आपका भारतीय जनता पार्टी का इन सीटों पे प्रभाव रहा, वो दोहरा पाएगी आपकी पार्टी, ऐसा उम्मीद करते हैं आप? बिल्कुल दोहरा पाएगी, हम गाजीपुर का जानते हैं, गाजीपुर में तो भारतीय जनता पार्टी ठीक से जीत रही है चुनाव, कायदे से जीत रही है, उसमें कोई बहुत उसको दबाव परेशानी इस तरह का हमको नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। उसी तरह अन्य जगह भी होगा, क्योंकि सपा बसपा का गठजोड़ खत्म हो गया, और सपा बसपा का जोड़ उत्तर इस इलाके में जिसका वर्णन कर रहे हैं, राजभर जी आपके पास हैं, राजभर जी साथ हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, इस सभी सीटों पर राजभर मतदाता का एक बड़ा महत्व है। अभी ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, उनके मतदाता जो हैं, मतलब घर में कोई बचा नहीं कि जो नहीं सच्चा लगा, इतना लगाव है उनका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।